स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाले मैसेज में। आज जो हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट जो एक प्रकार का प्रोसेस है जो हम किसी अननोन वर्कपीस का डायमेंशन साइज को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। The technique used to determine the size of any component in terms of a standard unit is called measurement. Measurement कहने का मतलब है जब हम किसी वर्कपीस का मेजरमेंट जो है जो हमें पहले से पता नहीं है उसे हम मेजर करने के लिए किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सहायता लेते हैं। तो उसका एक यूनिट होता है चाहे लेंथ में। मेजरमेंट भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। लीनियर मेजरमेंट जैसे आपने सुना होगा मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सब इसके यूनिट हो गए। और विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट टाइप्स पाए जाते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये स्टील रूल देख पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर के और नीचे इंच के ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो ये एक प्रकार का लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी वर्कपीस का लेंथ हाइट और थिकनेस ये तीन प्रकार के मेजरमेंट हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मेजरमेंट हमारे चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट, तीसरा है रेडियल मेजरमेंट और चौथा है सरफेस मेजरमेंट। मेजरमेंट इन स्ट्रेट लाइन ऐसा मेजरमेंट जिसे हम स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट करते हैं उसे हम लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। जैसे इस लीनियर मेजरमेंट को मेज़र करने का सबसे सिंपल एग्जांपल जो है जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो आपका स्टील रूल जो सेंटीमीटर मिलीमीटर और इंच का एक स्टेनलेस स्टील रूल है जो एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर ये सारे के सारे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग जो इसका मेजर करें जैसे मान लीजिए इस वर्कपीस का मेजरमेंट हमें करना है इस वर्कपीस का मेजरमेंट करें एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक हम मेजर करेंगे कि इसका लेंथ कितना है इसका चौड़ाई मेजर करना है तो टॉप से लेकर बॉटम तक यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस मीन्स एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो मेजर करेंगे हम वही हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट रहेगा उसे हम कहते हैं लीनियर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल क्रिएटेड बाई टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगुलर मेजरमेंट। ऐसा मेजरमेंट जिसमें हम किसी वर्कपीस का एंगल जो दो मिलने से बनता है उस मेजरमेंट को हम चेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट। कह लीजिए ये वर्कपीस है इसमें एक पॉइंट और एक पॉइंट दोनों आपस से मिले हैं तो एक एंगल बना है डिग्री में है कितना डिग्री है ये इसको हम लोग मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर फॉर एग्जाम्पल एंगल मेजरमेंट का हमारा प्रोटेक्टर चांदा जैसे कहते हैं इसमें डिग्री बने होते हैं। ट्राइस्क्वायर भी कह सकते हो ये जो ट्राइस्क्वायर है इस वर्कपीस का मान लीजिए ये वर्कपीस हमारा प्रॉपर 90 डिग्री एंगल में है कि नहीं तो इसको चेकिंग करने के लिए हम क्योंकि ऑलरेडी ये ट्राइस्क्वायर 90 डिग्री का बना हुआ है प्रॉपर तो एक प्रकार का एंगुलर मेजरमेंट में हमारा आता है। रेडियल मेजरमेंट इट इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ राउंड शेप स्फेरिकल सेमी स्फेरिकल जॉब। ओके ऐसे मेजरमेंट जिसमें हम किसी वर्कपीस का आर्क राउंड मेजरमेंट या सेमी सर्किल मेजर कर सकते हैं। जैसे प्रकार का मेजरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए वो रेडियस गेज है हम किसी वर्कपीस में जो रेडियस बना जैसे ये वर्कपीस है इस वर्कपीस में हमारा कोई रेडियस बना हुआ तो हम इस प्रकार का चेकिंग करते हैं हम लोग तो रेडियल मेजरमेंट यह हो गया। मींस किसी वर्कपीस में कोई आर्क बना हुआ है या राउंड शेप का है जैसे सरफेस मेजरमेंट ऐसे मेजरमेंट जिसमें हम किसी वर्कपीस का सरफेस मेजरमेंट करते हो। वर्कपीस का सरफेस कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है इसका जो ऊपर का सरफेस है ये कैसा है हमारा इसमें कुछ बराबर तो पैरेललिज्म है कि नहीं। सबसे कॉमन टूल्स जो है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये डायल टेस्ट इंडिकेटर सरफेस जो है ये कैसा है ऊंचा है कि नीचा है बराबर पैरेलल है कि नहीं तो सरफेस मेजरमेंट के लिए हम लोग ये डायल टेस्ट इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के
मेजरमेंट का प्रोसेस देखा। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किस किस के द्वारा किया जाता है, सर का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए।